नमस्कार दोस्तों, क्राउड वन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्राउड वन में कई नए अपडेट आए हुए हैं, प्लानेट आईएक्स को लेके, सीवन रिवार्ड को लेके। तो कई कंपनी नए चेंजेस कर रही है, कई नए अपडेट ला रही है। तो अभी कल ही कंपनी ने एक नया अपडेट लाया है जो आपके आईडी के बैक ऑफिस में दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं उस अपडेट को देखते हैं, क्या है वो अपडेट, आप सभी लोग को बताते हैं कि इस अपडेट का सीवन रिवार्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्राउड वन की साइट पे और वहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पे टच करते हैं और इस प्रकार से हम क्राउड वन की साइट पे लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो प्लानेट आईएक्स का है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप आसानी से प्लानेट आईएक्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से जो कोड मिला हुआ है, जो वाउचर मिला हुआ है, उसको आप रिडीम कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पे ये अभी कंपनी नया अपडेट लाया है, ये बैक ऑफिस में शो हो रहा है, क्राउड वन रिवार्ड्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, कन्वर्ट योर क्राउड वन रिवार्ड्स, रीड मोर अबाउट द प्रोसेस एंड नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस प्रोसीड लिखा हुआ है, तो प्रोसीड पे टच करके इसका जो स्टेप है उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या स्टेप है। प्रोसीड पे टच करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है क्राउड वन, बहुत अच्छी कंपनी है और इन 2 सालों में कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और इससे लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है, क्राउड वन रिवार्ड्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू ऑफर ऑल ऑफ आवर लॉयल क्राउड वन रिवार्ड्स होल्डर्स द अपॉर्चुनिटी टू स्वैप देयर क्राउड वन रिवार्ड्स फॉर शेयर्स इन द मल्टी वॉलेट। जो मल्टी वॉलेट है पीएलसी कंपनी तरफ से लॉन्च हो रहा है और रिवार्ड पॉइंट हमारा शेयर में कन्वर्ट होगा, रिप्लेस्ड होगा, तो उसी के बारे में कंपनी जो है यहाँ पर डिटेल से बताया है। तो आप अपना आईडी लॉगिन करके और बैक ऑफिस में जाके ये सब पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कंपनी ने शेयर को पॉइंट को शेयर में कन्वर्ट करने का जो रेशियो दिया है वो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कंपनी जो रेशियो दिया वो क्या है। देखिए वो रेशियो कंपनी ने दिया है कि अगर आपके पास 1 से लेकर 100 क्राउड वन रिवार्ड है तो वो 1 शेयर के बराबर है। 1 to 100 क्राउड वन रिवार्ड्स इक्वल टू 1 शेयर, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में अगर आपके पास रिवार्ड पॉइंट है तो आपके पास 1 शेयर है। 101 से लेकर 200 है, 101 से लेकर 200 है रिवार्ड पॉइंट तो आपके पास 2 शेयर है, और 201 से लेकर 300 है रिवार्ड पॉइंट तो आपके पास 3 शेयर है। इसी प्रकार 301 से लेकर 400 है रिवार्ड पॉइंट तो आपके पास 4 शेयर है, और 401 से लेकर 500 है तो आपके पास 5 शेयर है। इस प्रकार से जो है जितना भी आपके पास रिवार्ड पॉइंट है वो शेयर में कन्वर्ट होगा। दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास 27 रिवार्ड पॉइंट है तो आपका वो 1 शेयर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 27 हो, 90 हो, 95 हो, 80 हो, 70 हो, कुछ भी हो, मतलब 100 से अगर कम है, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, 100 से अगर कम है वो 1 शेयर के बराबर है। अगर 101 से लेकर 200 से कम है तो वो 2 शेयर के बराबर है, वो यहाँ पे कंपनी ने अलाउंस कर दिया है। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट है उसको आप जोड़ लीजिएगा कि आपके कितना शेयर होगा। तो इस प्रकार कंपनी ये नया जो है अपडेट लाया है जो आपके बैक ऑफिस में शो होगा। तो यहाँ पे देखिए एक जो है बॉक्स बना हुआ है, आई एक्सेप्ट द अबाउ इन्फॉर्मेशन कन्फर्म दैट माई डिटेल्स आर करेक्ट एंड दैट आई गिव माई कॉन्स्टेंट टू हैव माई डिटेल्स शेयर्ड विथ ए थर्ड पार्टी। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, इस यहाँ पे अपना डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ये सब कुछ चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पर टच करना है, तो इस पर जो है जैसे आप टिक करेंगे तो इसमें राइट का निशान लग जाएगा और नीचे देखिए यहाँ पे कन्वर्ट रिवार्ड्स का जो बटन है वो ब्लू हो गया है, इस पर टच करते हैं।
देखिए थैंक यू लिखा गया है। तो इस प्रकार जो स्टेप है क्राउड वन रिवार्ड पॉइंट को शेयर में कन्वर्ट करने का, वो यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इस प्रकार आप भी अपने आईडी में जो भी रिवार्ड पॉइंट है उसको शेयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको आप टिक करके प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।